जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PR की अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों लोको पायलट अगर रेड लाइट होती है तो सिग्नल क्यों नहीं तोड़ते हैं। दोस्तों जब तक रेड लाइट रहते हैं तो सिग्नल क्यों नहीं तोड़ते हैं, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब वीडियो की ओर। दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। दोस्तों हर शहर में लगभग तो ट्रैफिक सिग्नल होते ही हैं हर सिटी के अंदर। तो दोस्तों अगर आप रेड सिग्नल से मतलब कि रेड सिग्नल हो गया तो दोस्तों रेड सिग्नल आप तोड़ के जाओगे तो आपके साथ क्या होगा? दोस्तों तो आपने सोचा ही होगा कि दोस्तों आपसे मतलब कि ट्रैफिक पुलिस वाला देख लेता है तो दोस्तों तो आपसे प्लांटे लेता है, कुछ पैसे या तो मेमो फाड़ के दे देता है। अगर दोस्तों वहाँ पे CCTV कैमरा ऐसी सुविधा होती है तो दोस्तों आपके घर पे ऑटोमेटिक प्रेम पत्र आ जाता है कि लो भैया आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, इस प्रेम पत्र को लेके जाओ और इसके में बिल लिखा हुआ है, इसको आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा ही रेलवे का सिद्धांत है। अगर लोको पायलट इंजन को थोड़ा भी 1 इंच इंजन को लेके आगे जाते हैं तो दोस्तों उनके नौकरी के ऊपर भी मतलब प्रभाव पड़ता है, दूसरा उनका पेमेंट भी रोक दिया जाता है या तो दोस्तों उनको एकदम से मतलब कि नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप तो तोड़ सकते हो ट्रैफिक सिग्नल, मगर रेलवे वाले इस सिग्नल को तोड़ नहीं सकते, वो बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते जब तक दोस्तों येलो सिग्नल ना हो, या तो मतलब येलो सिग्नल दोस्तों या तो ना हो या तो मतलब ग्रीन सिग्नल ना दिया जाए, तब तक ये लोग आगे नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये जानकारी थी, जानकारी आपको कैसी लगी? तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।